दिनों में आतंकियों ने जैसे जम्मू को निशाना बनाया है उससे पूरे देश में उबाल है। जहां इधर सुरक्षा बलों ने भी ये साफ इशारा दे दिया है कि रियासी पर हमला करने वाले हमलावरों का फुल एंड फाइनल बहुत जल्द कर दिया जाएगा और उन कई आतंकवादियों की स्केच भी तैयार कर लिए गए हैं और जो संभावित ठिकाने हैं इन आतंकवादियों के उसकी भी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। मांग एक ही है, हर हाल में आतंकियों को जहन्नुम भेजो। रियासी में एक और एनआईए की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। दावा बहुत जल्द गुनहगारों पर शिकंजा कसने का है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल की 11 टीमें फरार आतंकियों की तलाश में है। 20 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है। इस बीच रियासी पुलिस ने हमलावरों का स्केच जारी कर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। पौनी तैरियात इलाके में आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है, लिहाजा जम्मू से राजौरी तक हाई अलर्ट है। इधर रियासी में आतंकी हमले के बाद खाई में गिरी बस को क्रेन से निकाला जा रहा है। हमले के पीड़ित परिवारों को राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। तो वहीं जयपुर से दिल्ली तक आज बजरंग और हिंदू विश्व परिषद आतंकी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है।